हेलो जी, क्या हाल है आपके? क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि जो ब्रायोफाइलम होता है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। मैंने बताया था कि जो ब्रायोफाइलम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स होता है, यानी कि लीव्स के अंदर, ब्रायोफाइलम की लीव्स के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो लीव्स से ही नए प्लांट्स को जनरेट कर सकती है। तो क्या है कि मैंने अब से लगभग 10 दिन पहले सॉइल को तैयार किया, उसके अंदर मैन्यूर वगैरह ऐड किए, उसके बाद सोयल को स्लाइटली मैंने उसके अंदर वाटर ऐड करने के बाद मैंने उसके ब्रायोफाइलम की लीफ उसके अंदर डाल दी थी। फिर क्या हुआ कि जो ब्रायोफाइलम की लीफ थी, अब मैं 10 दिन बाद नोटिस कर रहा हूँ कि जो ब्रायोफाइलम की लीफ है उसके अंदर छोटी छोटी बर्ड आ गई हैं। वो बर्ड कैसी हैं कि वही अगर हम उनको दूसरी जगह पर प्लेस कर देंगे तो वो नए प्लांट को जनरेट कर सकती है, यानी कि वही बर्ड क्या है कि वही बर्ड्स नया प्लांट को बना रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब उनको बर्ड्स को देखते हैं वो किस तरीके से जनरेट हुई हैं और वो कैसी दिख रही हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं उसको। ये मेरा सोयल कंटेनर है और ये मैंने ब्रायोफाइलम की लीफ लगाई थी। और ये ब्रायोफाइलम की लीफ क्या हुआ कि ये मैंने देखो इसके अंदर मैन्यूर वगैरह ऐड किए थे अच्छे से, और उसके बाद अब देखो ब्रायोफाइलम की लीफ तो वैसे रोल हो गई है ये, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो इसके बर्ड है ये छोटी छोटी, ये देखो एक कितनी छोटी बर्ड आई है इसके ऊपर, ये भी एक छोटी बर्ड है, ये भी एक बर्ड है और ये भी एक बर्ड है। तो ये सब देखो वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे छोटी छोटी बर्ड आ गई हैं। देखो मैं इसको कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की। ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लीफ से एकदम यहाँ पे जो इसके टिप है यहाँ पे एक बर्ड ग्रोथ की है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से बर्ड ग्रोथ कर रही है, इससे नीचे भी देख सकते हो यहाँ पे बर्ड किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो यही हमारा क्या है, ब्रायोफाइलम है, जो हमें शो करता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। और ब्रायोफाइलम के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है, लीफ के थ्रू होता है। अब देखिए, अब हम इसमें यहाँ से इस लीफ से एक बर्ड को निकालते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से होती है। अब ये देखो हमने इसको बर्ड को निकाला और ये क्या है कि ये इस बर्ड का एक रूट वाला पोर्शन है नीचे और ये ऊपर लीफ है। अब अगर हम इसको यहाँ पे सोइल पे लगा देते हैं तो ये वापस ग्रोथ करके एक नया प्लांट बन जाएगा। इसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ब्रायोफाइलम के अंदर। मैंने पूरी कोशिश की है आपको ब्रायोफाइलम के अंदर लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरीके से होता है ये समझाने की। अगर आपको ये समझ आया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।